व्हाट्सअप गाइज, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीजा साला मिलकर सीएम योगी को किया चैलेंज, फिर यूपी पुलिस ने 2 घंटे में सारी गर्मी उतार दी। मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है, कौन था ये जिसमें इतना कॉन्फिडेंस आया, जीजा भी साला भी दोनों मिलके चैलेंज कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को। भाई कुछ ना, सच में मुझे लगता है न्यूज में आना चाहता है किसी भी तरीके से, तो देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक और इनके लिए 2 शब्द कमेंट में लिख देना। 1 2 3 गो। मुलायम सिंह की सरकार नहीं है, ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है दरोगा जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भूत मैं तुम्हारा बता दूंगा दरोगा जी, सब भूल जाओ कलाकारी, समझ गए। योगी जी तो बदमाशों के ऊपर बुलडोजर चलाकर उनको ठंडक प्रदान करते हैं, लेकिन ये जनाब ये तो उत्तर प्रदेश के पुलिस को ही भूत बनाने में लगता है। साथ में मेरा साला अंशुल मिश्रा, आज हम सुबह 5:15 बजे लगभग 28 तारीख को अपना आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अतः प्रशासन से हमारा अनुरोध है, हमें उचित सुचित कार्रवाई की जाए, तथा हमें जो गलती हुई है उसको क्षमा की जाए। इतनी स्पीड में आत्मसमर्पण, रट्टा तो कर नहीं कर ले, तू आत्मसमर्पण कर ले, तेरा हक बनता है समर्पण करना। लेकिन ये भी ध्यान दे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरे आत्मसमर्पण के साथ पिछवाड़ा तोड़ेगी। दोस्तों आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, कुछ ऐसी क्लिप्स है, कुछ ऐसी वीडियोस है इसमें जो आप देखेंगे आपको लगेगा वाह क्या जहनियत है पत्थरबाजों का, और कुछ वीडियो कुछ क्लिप ऐसी हैं जो मजे भी आ सकते हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि वीडियो में पूरा बने रहें और मुन्ना भाई को फॉलो करते रहें, यानी सब्सक्राइब करते रहें। लेकिन एक बात है भाई, इंडिया चाहे चांद पे हमसे पहले पहुंच जाए, चाहे दुनिया का नंबर 1 सुपर कंट्री बन जाए, जन्नत में हम ही जाएंगे। मुसलमान तो अलग ही दुनिया में है, वो हम जन्नत जाएंगे, बाकी लोग भीख मांगेंगे, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम बहुत मारे जाओगे। देखो जी यहाँ ओझा जी थोड़ा ज्यादा ही बोल गए, ज्यादा हो गया उनका कुछ, लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे देखो भाई पाकिस्तानियों चाहते हो तो तुम नहीं जा सकते और जाओगे भी नहीं, तुमको जरूरत भी नहीं है, लेकिन जन्नत में पहला अधिकार तुम्हारा है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे यहाँ कुछ पत्थरबाज हैं, कुछ दंगाई हैं जो होरों के पास जाने के लिए बड़े बेचैन हैं, लेके जाना अभी जन्नत का सैर कराएगा, होरे मिलवाएगा, अच्छा लगेगा उनको। पढ़ाई क्यों नहीं की आपने, पढ़ाई नहीं करते जब मुसलमान की नौकरी लगती, कहाँ नहीं लगती फौज में लेते पुलिस में लेते, भर्ती लगती, इतने मुस्लिम कहाँ सुना आपने यार, इतने मुस्लिम फौज में है, इतने मुस्लिम पुलिस में है, कहीं भी नहीं मारघाट का मुसलमान के साथ, तो वो रही मासी नू इन समय। देखो देख लल्ला, तू पैदा होते ही तो पत्थर मारने लगता है, तो तेरे को नौकरी कौन देगा? और दूसरे हिसाब से देखा जाए तो तुम लोग बेरोजगार तो बिल्कुल नहीं हो भाई, जिसको पैदा होते ही रोजगार मिल गया पत्थर मारने का, वो बेरोजगार कैसा? पत्थरबाजी करने में ना किसी डिग्री की जरूरत है, किसी चीज की नहीं, अरे मदरसे में भी नहीं जाना पड़ता, कहीं नहीं जाना पड़ता। दोस्तों लड़का दिखने में आपको 14-15 साल इतने में ही है, लेकिन दिमाग में क्या जहर है सबके सामने है। कहीं भी नहीं मारघाट का मुसलमान के साथ, तो वो रही मासी नू इन समय। देखो नू में इसको परेशान किया गया, नू में इसको मारा गया है, मंदिर में दर्शन करने जा रहा था इसको मारा गया है, ये चीजें इसको बताई गई हैं। आप लोग कमेंट करिए, आप लोग का क्या ओपिनियन है, कमेंट करिए इसको। यार चंद्रमा पे चंद्रयान पहुंच चुका है, खुश है कि नहीं बताइए। ऊंचे कौन चंद्रा है, कौन ये बतरा है बैठ, चंद्रा 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 का मत, कौन चंद्रा है? अरे चंद्रयान, अरे नहीं खुदा है, खुदा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रब्बान। कांग्रेस ही है इसलिए खुश नहीं है आप? खुश नहीं है आप? हम नहीं। इस चाचा के ऊपर शुरू में तो मेरे को बहुत गुस्सा आया जब इसने चंद्रयान को गाली दिया, लेकिन जब आगे इसने बताया कि ये कांग्रेसी है, सब कुछ मैं भूल गया, सुकून मिला, हमने इसको माफ कर दिया। क्योंकि भाई कांग्रेसियों का हक है देश को गाली देना, कांग्रेस में जो लोग हैं या कांग्रेस को जो सपोर्ट करते हैं वो देश को गाली दे सकते हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गवर्नमेंट जो चला रही है अदानी अंबानी चला रहे हैं। तो चंद्रयान चंद्रयान चंद्रमा पे पहुंच गया, क्या खुशी की बात नहीं है? पब्लिक को मार गया, चंद्रयान पे पहुंचना बहुत अच्छा है। क्या चंद्रयान ने पब्लिक को मारा क्या भाई? जिसके साथ बीती उसे पता है। सुना लॉकडाउन में मेरे को निकाला, सुना बहाना था लॉकडाउन, कुछ नहीं था, बीमारी नहीं थी, बहाना था। 35,000 मकान चाचा के लिए मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, मरवाने के लिए सिर्फ 10,000, इसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए, दिल्ली तक चलना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा, दिन भर मरवाता है रात भर मरवाता है सिर्फ 10,000 रुपये में, नहीं चलेगा ये। एक बात और है, चाचा की एज भी हो गई है, आप पता नहीं किस एज में 30 पाते थे, अभी मरवाने की सिर्फ 10 ही पा रहे हैं, पता नहीं भाई आप लोग क्या लगता है।
तो उसमें हमारे कारगे सिंह सर उन्होंने सुन लिया उस चीज को और वो पकड़ के ले गए प्रिंसिपल सर के पास। अब जब प्रिंसिपल सर के पास लेके गए तो फिर उन्होंने प्रिंसिपल सर ने मुझसे बोला कि मेरे सामने बोल के दिखा जय श्रीराम। 10 बार उन्होंने जय श्रीराम बुलवाया, मैंने बोल भी दिया। तो फिर बाद में उन्होंने बोला प्रिंसिपल सर ने तेरे जैसे अंधभक्त की जब कोई इज्जत नहीं तो राम मंदिर अयोध्या जाओ, उधर तो जय श्रीराम के नारे लगाइयो। ऐसे बोल के मुझे 15 दिन के लिए रेस्टिकेट कर दिया स्कूल से और पापा को बुला के उनको डांटा था, मम्मी को धमकाया और बोला कि अगर ये बच्चा स्कूल आता है और उसको कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी। तो इस वीडियो को देख के काफी अभिभावकों का कहना है कि अपने बच्चों को उस स्कूल में बिल्कुल ना भेजें जहां अपने संस्कारों की आहुति देनी पड़े। लेकिन मेरा कुछ और कहना है भाई, वो स्कूल ही क्यों इंडिया में रहे, ऐसा स्कूल भारत में रहे ही क्यों जहां सनातन संस्कृति का अपमान हो, संस्कारों का आहुति देना पड़े, स्कूल ही क्यों रहे। वैसे ये मामला दिल्ली का है, दिल्ली के एक स्कूल का है। तो केजरी मियां कल जो मैंने देखा था तो वो आसमान पे थे तो वहाँ पे उन्होंने झंडा लहराया था हिंदुस्तान का चांद पे, तो इतना वीडियो देखा था मैंने तो बस। किसने लहराया था झंडा चांद? मुसलमान ही थे, मुसलमान का था झंडा, मुसलमान ने चांद पर झंडा फहराया। क्या बोलूं? देखो चाचा, हम तो तेरे से यही कहेंगे कि जुबैर भौजी से अपने घर की औरतों को दूर रख, क्योंकि वो गलत गलत वीडियो उनको शेयर करता है, दिखाता है उल्टी सीधी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाता है और वो लोग शाम कर तुम्हारी पिलाई करके तुमको बताती है भैया कि झंडा किसने फहराया है और तुमको बोलना पड़ता है ये सब बाहर आके। जब इतना कन्फ्यूजन रहेगा कि हम गए हैं या किसी पर्सनल का होगा कि वो वैसे ही चला गया जहाँ झंडा फहराने के लिए, तब अगर सरकार वहाँ कुछ करेगी, नामकरण करेगी तो तुम पत्थर चलाओगे और पत्थर चलाओगे तो बाद में शरारती तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे जब तक आप कठोरता पूर्वक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। लोग सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, उनके साथ किसी प्रकार का कोई रियायत बरतने की आवश्यकता भी नहीं। साथ में मेरा साला अंशु मित्रा, आज हम लोग सुबह 5:30 बजे 28 तारीख को आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अदा हमें अनुरोध है कि हमारे साथ कोई भी गलत दुर्व्यवहार ना हो और जो भी हो सत्य के साथ। नहीं नहीं मिश्रा जी, तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं होगा। बस वो जो तशरीफ रख के बैठते हो सीट पर, वहाँ 2-4 तकिया लगाना पड़ेगा पुलिस से मिलने के बाद, सरेंडर करने के बाद, तो वही सब ध्यान रखना, बाकी सब नॉर्मल है। मोदी को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। 3 घंटा हो गया, फोटो स्टेट की दुकान भी नहीं मिली। अच्छा, हाँ यो क्या कह रहे हैं? कल से लौट ले, कोई भी एक भी बेरोजगार वो नहीं मिली है, जॉब जॉब नहीं मिला आपको? कल से नहीं मिला है। ओहो, कह रहे हैं कि रात रात लग जाती है ना। मोदी जी देखो, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेचारा 3 घंटे से फोटो स्टेट की दुकान खोज रहा है, नहीं मिली, आपने खोज कर इसको नहीं दिया। दूसरे लड़के को रोज बेरोजगार नौकरी, पता नहीं क्या कह रहा था, लेकिन उसकी भी तकलीफ है, उसको भी नहीं मिली। कितने क्या कर रहे हैं आप, ध्यान दीजिए थोड़ा। ये देख लीजिए, मोहम्मद जुबैर का असली बिजनेस यही है, मोहम्मद जुबैर। तो आपको जानकर हैरानी होगी, आपका अपना जुबैर भौजी के साथ कुछ गलत होने वाला है या हो रहा है। ट्विटर पर हमने देखा कि ट्रेंड चल रहा है उसके खिलाफ अरेस्ट करने के लिए। भौजी ने सब काम धाम छोड़ के नया काम स्टार्ट भी किया था, उसके भी पीछे लोग पड़ गए। पता नहीं आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। पूरे वीडियो में जो आपने क्लिप देखी उस पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट भर दीजिए। और मुन्ना भाई के साथ जुड़ने के लिए सिंपल है, चैनल को भाई बिल्कुल 2 चीज़ कहूँगा मैं। पहले तो सबसे पहले एक चीज़ कि आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो, आप फिर भी हाथ में कानून नहीं ले सकते। पुलिस है, पुलिस अपना काम करती है, आपको कुछ गलत लगता है तो आप हायर अथॉरिटी पे जाके आप कंप्लेन करो, कुछ भी करो। लेकिन ऐसे धौंस जमाना कि ये हूँ मैं, ये हूँ वो, गलत है, चाहे आप बीजेपी या कांग्रेस हो, निर्दलीय हो, कुछ भी हो आप। दूसरी बात आती है वो बच्चों में, भाई देख तू माइंड सेट देख कि हमें कौन दे रहा है नौकरी। अरे भैया तुम बाहर निकलो, तुम अपनी सोच बदलो, थोड़ा एजुकेशन लेवल बढ़ाओ, क्योंकि वो ना बिल्कुल गए हुए बच्चे हैं कि उनका आप कुछ कर नहीं। लेकिन फिर भी उनको जो ऑलरेडी, क्योंकि जब आप इस एज में जो सिखा देते हो ना, वही गंदगी भरती है आगे जाके दिमाग। वही चीज तो फिर सोशल मीडिया मुझे लगता है कि ये चलाते भी इसीलिए कि गलत टाइप की वीडियो ही देख ले इस तरीके की, जो इनको लगे कि इनके साथ बुरा हो रहा है। भाई बुरा किसी के साथ नहीं होता, वो मानसिकता होती है और प्लस आपके एफर्ट्स होते हैं किसी भी चीज में। जॉब जब अब वो कह रहे हैं हम तो बैग लेके 48 घंटे को, भैया रोड पे नौकरी देने आएगा कोई? बताओ, अगर ऐसे ही नौकरी चाहिए तो कोई मान लो कोई हेल्पर की ले लो फिर जाके। हाँ, जाओ। अगर आपको कुछ वैसे नौकरी चाहिए कि हाँ भैया पढ़े लिखे हम, जिस हिसाब से इंटरव्यू प्लान करो, सीवी अप्लाई करो। हम घूम रहे 48 घंटे, जाओ भाई लेबर चौक पे तोड़ो पत्थर, जिस जो ये रवैया होता है तो वो वाले कई लोगों को ना भैया एटीट्यूड ही एक्सट्रीम लेवल पर होता है, फिर ऐसा सोचते हैं कि इनके लिए सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। जिन
को थोड़ा बहुत उठ के हिल के खाना बस की नहीं है ना, वो फिर ऐसे दोष देते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में जरूर बताइएगा। बाकी भैया मुझे ये लगता है कि इंडिया में ना आज भी लोगों को ये लगता है कि वो आके सामने कैमरे कुछ भी बोल जाए और उस चीज से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ना अलग लॉजिक दूर दूर तक नहीं होता उनकी बातों में। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।